नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे मीडिया टुडे टीवी। हैदराबाद के 12 साल के छात्र मोहम्मद हसन अली अपनी विशेष प्रतिभा के धनी हैं। एक तरफ इतनी छोटी उम्र में बच्चे कार्टून देखने व खिलौनों की मांग करते हैं, लेकिन 8वीं कक्षा के 12 साल के छात्र हसन ने इतनी छोटी उम्र में एक रोबोट बनाया है जो इंजीनियरिंग छात्रों को पढ़ाने के साथ साथ घर के कामों में भी मदद करता है। खास बात तो यह है कि हसन ने यह रोबोट केवल 15 दिनों में बनाया है। हसन ने बताया कि वो खुद पहले इंटरनेट से पढ़ते हैं, फिर अपने छात्रों को पढ़ाते हैं। हसन ने बताया कि पिछले 2 साल से पढ़ा रहे हैं। मेरे लिए इंटरनेट एक सीखने का संसाधन है। मैं फीस नहीं लेता क्योंकि मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। 12 साल के मोहम्मद हसन अली खुद 8वीं कक्षा के छात्र के बावजूद सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के छात्रों को पढ़ाते हैं। हसन अली ने बताया कि वो अपने देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। हसन अली ने शुक्रवार को बताया, मैं इंजीनियरों को ड्राफ्टिंग और डिजाइनिंग सिखाता हूँ और मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए एम्बेडेड सिस्टम, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और रोबोटिक्स सिखाता हूँ। मैंने 100 से अधिक प्रोजेक्ट किए हैं। उनमें से एक पर काम करते हुए मुझे काम करने वाला रोबोट बनाने का आइडिया आया। रोबोट विकसित करने में केवल 15 दिन का समय लगा, जो OS कमांड ले सकता है, एक लाइन का अनुसरण कर सकता है। इस रोबोट को ऑटो मोड पर सेट किया जा सकता है। हसन ने अपनी पढ़ाई और इंजीनियरिंग की पढ़ाई और इंजीनियरिंग छात्रों को पढ़ाना, वो सब कैसे मैनेज करते हैं, इस पर हसन ने बताया कि मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ। मैं सुबह स्कूल जाता हूँ और 3 बजे घर वापस आता हूँ। मैं खेलता हूँ, अपना होमवर्क करता हूँ, इसके बाद मैं 6 बजे तक पढ़ाने के लिए कोचिंग चला जाता हूँ। हसन को अपनी दुगनी उम्र के छात्रों को पढ़ाने का आइडिया इंटरनेट पर एक वीडियो देखने के बाद आया, जिसमें बताया गया था कि अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद भारतीय छात्र विदेशों में छोटी मोटी नौकरियां करते हैं। हसन बताते हैं, मैंने इंटरनेट पर एक वीडियो देखा था जिसमें बताया गया था कि भारतीय छात्र पढ़ाई के बावजूद भी विदेश में छोटी मोटी नौकरियां कर रहे थे। मैंने सोचा कि हमारे इंजीनियर एक खास मामले में पिछड़ जाते हैं, वो चीज थी कम्युनिकेशन स्किल। हमारे यहाँ के छात्र कम्युनिकेशन में काफ़ी कमज़ोर रहे हैं, इसलिए पिछड़ जाते हैं। वहीं मेरा पसंदीदा विषय डिज़ाइनिंग था, तो मैंने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया। Hi, I am Mohammad Hasan Ali. I am a student of 8th grade. In the evening time, I teach civil, mechanical, electrical and electronics engineers designing and drafting. You might be knowing what designing is all about, a plan produced to show the working of an object before it is built or made. 3 months back, I have started teaching to electronic students. From past 2 years, I am teaching to civil, mechanical, electrical and electronics, electrical engineers, designing and drafting. To electronics students, I am teaching embedded system, IoT and robotics. I have done more than 100 projects in embedded system, IoT and robotics. When I am making projects, I decided to why not to make a serving robot. I have made a serving robot. My serving robot can serve, it can say, it can wish us, it, if someone will come in front of it, it will say, you are in my way, please give me way. And it, if it, it will follow a line, it can follow our voice command, it can follow our automatically. Moreover, I have made this serving robot for the people, and we can use it in restaurants, homes and hotels, etc. If in homes there are some elders people, they can also use it. The robot can talk to them and they can the robot can serve them. Up to 10 to 15 days it has took to make this robot. And my motto is to teach the engineering student how easy it is. And I want to do something for my country.